Everyone, so today we will discuss about block diagram of computer and computer hardware and software. So आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है एंड सेकेंडली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है. सो जब भी हम अपनी डेली लाइफ के वर्क करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं. हम हमेशा कंप्यूटर का यूज़ करके हम अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं या फिर प्रोफेशनल जो वर्क हैं उन्हें फुलफिल करते हैं. सो द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. सो जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया है, कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना. हम अपनी डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं कि हम कुछ कंप्यूट कर रहे हैं, हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं. सो उसका मतलब क्या होता है, कुछ कैलकुलेट करना. और कंप्यूटर वर्ड इसी वर्ड से डिराइव हुआ है. और कंप्यूटर का काम क्या होता है, हम कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर अपनी क्वेरी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा एंड हमें आउटपुट, इसका मतलब उसे रिजल्ट प्रोवाइड वो करता है. अ कंप्यूटर एज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन डाटा, कि एक कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा के ऊपर वर्क करता है. हम जो देते हैं वो क्या होता है, डाटा होता है. अब डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जो हम कंप्यूटर को देंगे, क्वेरी देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो क्या होगा, डाटा, क्योंकि वो कुछ मीनिंगफुल नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता. जब वो प्रोसेस कर दिया जाता है, जब उससे कोई मीनिंग निकलने लग जाता है, एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है. सो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा के ऊपर वर्क करता है और उसे प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव इनपुट, प्रोसेस इनपुट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, कि ये यूजर से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है एंड देन हमें आउटपुट और रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो किस फॉर्म में होता है, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में होता है. हम जो देते हैं वो डाटा होता है और जो कंप्यूटर हमें देगा वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी. अब कंप्यूटर क्या है, एक्यूरेटली काम करता है. इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में गलतियां नहीं होती, कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता. अगर हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग मिस्टेक कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है. आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की, वो सब एक्यूरेटली परफॉर्म होंगी और कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. ऐसा नहीं है कि उसने 10 परफॉर्मेंस कर ली या फिर 10 बार हमने कैलकुलेशन करा ली तो 11th टाइम वो ये कहेगा कि नहीं मैं थक गया हूं. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये रिलायबली वर्क करता है. इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड रिसीविंग ऑफ इनपुट, तो कंप्यूटर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, उसको इनपुट को रिसीव करना, क्वेरी को रिसीव करना, उसे प्रोसेस करना, प्रोवाइडिंग आउटपुट एज अ इन्फॉर्मेशन, और हमारे जो यूजर है जिसने इनपुट दिया था उसे आउटपुट प्रोवाइड करना और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना. वो इन्फॉर्मेशन क्यों स्टोर की जाती है, कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेरी होती है तो हम ज़्यादा क्विकली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आंसर हमारी किस में है, स्टोरेज में है. सो ये हमारे कंप्यूटर के मेन फंक्शन होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको फंक्शंस बताए कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को डिफाइन करता है ग्राफिकल वे में, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. कि कंप्यूटर का इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना, उस कंप्लीट प्रोसेस को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप क्या दोगे, अपनी इनपुट. सो इनपुट क्या होती है, आपकी कोई भी डाटा हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं. तो आपने इनपुट दिया, इनपुट किसे दिया जाएगा, आपकी इनपुट यूनिट को. आपने इनपुट यूनिट को क्या दे दिया, अपनी क्वेरी दे दी. फॉर एग्जांपल, आपकी क्वेरी है कि 3+5 कितना होता है, ये आपकी क्या है, क्वेरी है. सो ये आपने दी इनपुट यूनिट को. इनपुट यूनिट क्या होती है, जिसके अंदर सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो एक यूजर है उससे इनपुट लेने का वर्क करते हैं. इनपुट डिवाइसेस में क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकते हो, क्वेरी दे सकते हो, माउस हो सकता है. सो इन सब के थ्रू आप क्या करते हो, इनपुट यूनिट को क्या देते हो, अपनी क्वेरी देते हो. सो इनपुट यूनिट के मेन वर्क क्या होते हैं, यूजर से क्वेरी को लेना, उसे आगे प्रोसेस कर देना. अगर आप एक यूजर हो, जब आप क्वेरी दोगे तो आप किस लैंग्वेज में दोगे, जो लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करती होगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5+3 है, ये क्या है, आपकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0101. सो अब क्या करती है, इनपुट यूनिट का ये भी काम होता है. एक काम क्या होता है, कि हमारे यूजर से डाटा को लेना और उसे आगे प्रोसेस कर देना. सेकंड वर्क होता है कि जो डाटा उसने लिया है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करना. जब वो कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज होगा तभी तो कंप्यूटर उस पर वर्क कर सकेगा. सो अब तक हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास कोई डाटा होता है जिसको हम इनपुट यूनिट को दे देते हैं.
इनपुट यूनिट उसे रिसीव करती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर देती है और आगे प्रोसेस कर देती है। प्रोसेस किसे करती है? कंट्रोल यूनिट को, यानी कि हमारे सीपीयू को वो क्या कर दिया, उसने प्रोसेस कर दिया। क्योंकि नेक्स्ट वर्क क्या आता है, इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग होती है, उसे प्रोसेस करने के बाद ही तो हमारे पास आउटपुट आएगा। सो हमारी क्या होगी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट हमारी क्या होती है, सीपीयू के अंदर आती है। कि अगर हमें कोई अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म करना है प्लस माइनस, तो हमारा 3+5 क्या है, अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म है। सो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, से सेंड कर देगी हमारी अर्थमेटिक यूनिट को और वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अब अगर आपने देखा हो तो ये डायरेक्टली कनेक्ट किससे हो रखे हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि हमारी मेमोरी यूनिट से। मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर के मेन फंक्शन में एक फंक्शन क्या आता है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे ही उन्हें ये पता चला ट्रांसफॉर्मिंग के टाइम कि 5+3 का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, सो वो इसे डायरेक्टली सेंड करने की बजाय पहले अपनी स्टोरेज में लिख लेंगे, ताकि फर्दर सेम क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली अपनी स्टोरेज से क्या कर सको, रिप्लाई कर सको, उसका आंसर प्रोवाइड कर सको, उस पर प्रोसेसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट के पास आंसर आ गया, देन वो क्या दे देगी, आउटपुट यूनिट को दे देगी। आउटपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट के पास सारे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, जो क्या करेंगे, यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यूजर से जो डाटा लेते हैं वो है इनपुट डिवाइस, और जो यूजर को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो है हमारे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, उनका मेन वर्क क्या होगा, सबसे पहले तो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को लेना। अब जो इन्फॉर्मेशन उसने ली है क्या वो हमारी रीडेबल होगी, जैसे हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, हम भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम 0101 को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो वो क्या करती है, आउटपुट यूनिट उसकी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, बाइनरी फॉर्म में जो लैंग्वेज है, उसे हमारे रीडेबल फॉर्म में चेंज करती है एंड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो हमारी इनपुट यूनिट कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करती है और आउटपुट यूनिट किस में चेंज करती है, हमारी लैंग्वेज में चेंज करती है। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस डायग्राम एंड दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। नाउ इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के मेन वर्क जो हमने बोले वही मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या है, इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड, कि इसका मेन वर्क क्या होता है, बाहर से जो यूजर ने डाटा दिया है उसे एक्सेप्ट करना। इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन इन डाटा कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसे चेंज करती है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि उस डाटा पे अब प्रोसेसिंग हो उसके लिए उसे आगे सेंड कर देती है। इनपुट यूनिट लिंक कंप्यूटर विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट परफॉर्म द टास्क, कि इनपुट यूनिट के साथ कौन डील कर रहा है, यूजर जो हमारी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है तो उससे हमें लिंक करती है। अब आउटपुट यूनिट क्या हुई, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, कि सबसे पहले हमारी जो रिजल्ट आया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से उसे एक्सेप्ट करती है, फिर उस एक्सेप्ट किए हुए रिजल्ट को क्या करती है, कन्वर्ट करती है हमारे यूजर की रीडेबल फॉर्म में और हमें फिर सप्लाई कर देती है। आउटपुट यूनिट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ इनपुट यूनिट, इट सप्लाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्टेन्ड डाटा, यानी कि जो भी आउटपुट यूनिट है वो डाटा से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमने बोला था ना डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, सो डाटा से जो इन्फॉर्मेशन हमारी बनी है उसे हमें प्रोसेस करती है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हार्डवेयर होते क्या है, ए हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑल इट्स फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स दैट कंबाइन इनपुट आउटपुट एंड अदर डिवाइसेस। सो एक कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उन सबको जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या मैकेनिकल पार्ट्स हो। द हार्डवेयर फॉर मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम इज ऑर्गेनाइज बाई 5 मेन कॉम्पोनेंट्स, कि हार्डवेयर किन 5 चीजों से बना हुआ है, इनपुट यूनिट जो हमने अभी डिस्कस की कि इनपुट यूनिट में हम सारे इनपुट डिवाइसेज को इंक्लूड करते हैं, आउटपुट यूनिट जिसके अंदर सारे आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा सीपीयू, मेन मेमरी जो हमारी प्राइमरी मेमरी होती है और सेकेंडरी मेमरी, प्राइमरी मेमरी हमारी मेन मेमरी होती है उसको हम टेम्परेरी मेमरी भी बोलते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, डाटा जो स्टोर होता है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जैसे ही हमारा पावर कट जाएगा ना हमारा वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। और हमारी मेन मेमोरी में क्या आते हैं, रैम और रोम और परमानेंट, ये हमारी क्या है सेकेंडरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी में क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सो हार्डवेयर के 5 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है, हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑल फिजिकल
कंपोनेंट्स, उन सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है। हार्डवेयर नाम याद रखना कि जो चीज़ें विजिबल हैं, जो जिसको आप टच कर सकते हो, मीन्स जो आप फील कर सकते हो ना, वही हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सारे फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, कोई भी नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, आर स्टोर्ड इन दिस। द CPU एंड द मेन मेमोरी फॉर्म द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर बाय फंक्शनिंग एज अ इंटीग्रेटेड यूनिट, वेयर CPU इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कि हमारा जो CPU है और मेन मेमोरी है, जैसे हमने पांच कंपोनेंट्स किए थे, इन पांच कंपोनेंट्स में से भी CPU और मेन मेमोरी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। CPU को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, और मेन मेमोरी हमारी क्या होती है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर दैट ऑपरेट। अब हार्डवेयर के अंदर हम किस किस कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि ये हमारे जो मेन चीजें हैं जिसको हम हार्डवेयर ही बोलते हैं, के अंदर कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज कंप्यूटर कैबिनेट, कि जो भी कंप्यूटर की सारी चीजें हैं, जो जिससे एक पूरा कंप्यूटर बना हुआ है, जैसे मॉनिटर अलग पार्ट होता है, कीबोर्ड अलग पार्ट होता है, सो जिन चीजों से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारा कंप्यूटर कैबिनेट आपके किसके अंदर आता है, हार्डवेयर के अंदर आता है। आपका मॉनिटर जो एक क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है जो आपको डिस्प्ले करता है रिजल्ट को, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके यूजर को प्रोवाइड करता है, सो मॉनिटर उसे डिस्प्ले करता है। स्कैनर एंड प्रिंटर दोनों आपके क्या हैं, हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। प्रिंटर आपका क्या, एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। स्कैनर जो स्कैनिंग के लिए यूज होता है, कई बार वो थंब, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैनर होते हैं, फ्लैट स्कैनर होते हैं, शीट स्कैनर होते हैं, जो एक पेपर को स्कैन करेंगे वो शीट स्कैनर होंगे, जो आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करेंगे वो क्या होंगे, आपके फिंगर स्कैनर्स, थंब स्कैनर्स होते हैं। कीबोर्ड एंड स्पीकर एंड मोडेम एंड माउस, और क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, कीबोर्ड भी हमारा क्या है, हार्डवेयर है, स्पीकर हमारा हार्डवेयर है, मोडेम क्या होता है, जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हमने अभी देखा था इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट क्या करती हैं, चेंज करती हैं डाटा को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में। जो हमारी जो जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं वो एनालॉग फॉर्म हो गई, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा वो डिजिटल फॉर्म हो गई। तो वो किसके थ्रू चेंज किया जाता है, मॉड्यूलेशन की हम हेल्प करते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, एंड माउस। सो ये सब क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर आते हैं सारे कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के हैं। सो हार्डवेयर क्या हो गया, जो हमारे कंप्यूटर के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स, जो सारी चीजों को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, एक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जिसके पांच मेन कंपोनेंट्स क्या है या किन से मिलके वो बना है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इनसे मिलके हमारा हार्डवेयर बना हुआ है, जिसके अंदर हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, कंप्यूटर कैबिनेट, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर एंड मोडेम एंड माउस। देन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम एंड instructions दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं जो आप एग्जीक्यूट करते हो, वो सब किस चीज को बोलते हैं, आप सॉफ्टवेयर को। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया, उसके अंदर हम फिजिकल कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे और सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स, यानी कि वो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, यानी कि आप उन्हें टच नहीं कर सकते, वो CRT स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। इट कैन नॉट बी टच बिकॉज इट अपियर ऑन CRT स्क्रीन एंड फंक्शन थ्रो कीबोर्ड, माउस एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कि जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, ये सब किया जाता है। सो आपका सॉफ्टवेयर है उसे आप टच नहीं कर सकते, वो CRT स्क्रीन पर आपके ऊपर अपीयर होगा, CRT स्क्रीन पर आपको दिखेगा। एंड ये सब क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे मॉनिटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो विंडोज होती हैं, वो वर्क करती हैं। सो ये प्रोग्रामिंग किसके थ्रू करता है, वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। सॉफ्टवेयर इज क्वाइट नेसेसरी फॉर द हार्डवेयर बिकॉज विदाउट इट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्लीट उसके सारे डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। कंप्यूटर तभी चलेगा जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, तभी वो प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। कि सॉफ्टवेयर की 3 मेन कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमारे जो सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं उसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर क्या होता था, जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं वो क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, कंप्यूटर के इंटरनल जितने ऑपरेशंस हैं, जितने भी इंटरनल ऑपरेशन है कंप्यूटर के, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड प्रोवाइड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज टू अ कंप्यूटर इटसेल्फ। कि जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वो वर्किंग स्टार्ट करता है, उसमें हम कोई फाइल बनाते हैं, ये जो
सारे इंटरनल फंक्शनिंग है, इंटरनल ऑपरेशंस जो होते हैं वो किसके अंडर होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। इट इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो भी है, आप उसे भी चेक कर सकते हो अगर आप इसको थोरोली स्टडी करना चाहते हो। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड इंटरफेस देम ऑल। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है और उनकी सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को और उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। और सेकंड क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये भी किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, नेम ही सजेस्ट करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमारी लैंग्वेज से जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में चेंज करता है, उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम विद इन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, जीरो एंड वन, और असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जिसपे हम वर्क करते हैं, जो ज्यादा रिलायबल हैं, उन्हें मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की यूज होती है। और वो कैसे हो सकते हैं, कंपाइलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है, असेंबलर्स हो सकते हैं, ये सब क्या है, आपके टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। An application software is a set of program designed to carry out operations for specific application। कि ऐसी working करना, ऐसा operation करना जो एक specific work के लिए है, उसको हम क्या बोलते हैं, application software। कि आपका working तो होगी, internal operations होंगे, लेकिन एक specific task के लिए होंगे, specific applications के लिए होंगे, उसको हम बोलते हैं application software। The application software commonly include different type of program। इसके अंदर हम different different type of program लेके चलते हैं, जैसे हैं हमारे different type of application program। क्या क्या होते हैं, हमारे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या है, जो आपका स्पेसिफिक वर्ड पे ही वर्क करेगा। जैसे हमारा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लेके चलो तो वो आप किस चीज पे फोकस करते हो, उसमें आपको कोई फाइल बनानी होती है, रिपोर्ट बनानी होती है, वो आपको वर्ड की ही फैसिलिटीज, वर्ड की ही एप्लीकेशन प्रोवाइड कराएगा, एक्सेल की प्रोवाइड नहीं कराएगा, स्प्रेडशीट की प्रोवाइड नहीं कराएगा। सो वो किस पर्टिकुलर चीज पे वर्क कर रहा है, एमएस वर्ड जो है अपनी एक स्पेसिफिक चीज पे वर्क कर रहा है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है। सो वो हमारा क्या हो गया, पहला एप्लीकेशन प्रोग्राम। देन स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जब आपको क्या होता है, रो एंड कॉलम्स गिवन होते हैं, उसमें अपने आपको डाटा डालना होता है, अर्थमेटिक चीजें परफॉर्म करनी होती हैं, स्टैटिस्टिक्स निकालनी होती हैं, तो आप वर्ड पे नहीं जाते, तो आप किसको यूज करते हो, एमएस एक्सेल को यूज करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सो सबका एक स्पेसिफिक टास्क है जिसके लिए वो यूज किए जाते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि जब आपको लार्ज डाटाबेस मैनेज करना हो, एक ही जगह पे सारा डाटा गैदर करना हो जो रिलेटेड है, तो उसके लिए आप कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो ये सब क्या है, आपके एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हैं। ग्राफिक प्रोग्राम एग्जाम्पल, यानी कि जो आपके ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर उसका यूज ही किस चीज के लिए होगा, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इसकी एप्लीकेशन है कि एक ग्राफिकल यूज के लिए, वर्ड और टेक्स्ट के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाएगा, जैसे है अडोब फोटोशॉप। एंड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, कि आपको पीपीटीज बनानी है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप यूज करोगे। अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, आप वर्ड पे नहीं जाओगे, स्प्रेडशीट पे नहीं जाओगे, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करोगे। लास्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सिस्टम। हमारे सॉफ्टवेयर का लास्ट टाइप क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज आर द प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म वेरियस स्पेसिफिक टास्क सच एज अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन टास्क को परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करने का काम करना, लॉस्ट फाइल, आपकी कुछ फाइल गुम हो गई हैं, थेफ्ट हो गई हैं, उनको रिकवर करना, प्रोटेक्ट करना अपने डाटा को, और कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन करना, कि आपकी जितनी मेमरी है उसके हिसाब से अपने डाटा को कम कर देना, डीकम्प्रेस करना, कंप्रेस करना। So, हमारे कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, फर्स्ट इज टेस्ट एडिटर। अ टेस्ट एडिटर प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स। कि जो भी आपकी फाइल आपने बनाई है, उसमें अगर आपको एडिट करना है, उसकी नेमिंग करनी है, नई क्रिएट करनी है, ओपन करनी है, सो वो आप किसकी हेल्प से करोगे, टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से करोगे। देन नॉर्टन यूटिलिटी, नॉर्टन यूटिलिटी यूज की जाती है कि जो भी आपकी फाइल लॉस हो चुकी है, आपकी फाइल आपके हाथ में नहीं है, अब उन्हें कैसे रिकवर करना है, डिलीट हो गई है, या किसी ने मींस हैकिंग वैकिंग करके डिलीट कर दी है, सो उसके थ्रू आप कैसे उसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसे रिकवर कर सकते हो,
ये किसके अंडर आता है, हमारे नॉर्टन यूटिलिटीज, वायरस स्कैन, कि अपने कंप्यूटर के अंदर ये देखना कि कोई वायरस तो नहीं है, उसे उसकी स्कैनिंग करना, उसकी मीन्स ये देखना कि कितना सेफ है हमारा कंप्यूटर, हमारी करंट सिचुएशन क्या है, वायरस अटैक है या नहीं, स्कैनिंग करना, बैकअप यूटिलिटी की हर इंफॉर्मेशन का बैकअप रखना कि अगर फ्यूचर में कुछ अनएंटिसिपेटेड होता है तो हम इसका बैकअप हमारे पास रहेगा. कंप्रेशन यूटिलिटी, यानी कि अगर आपके पास स्पेस जो है वो कम है और आपके पास डाटा बहुत ज्यादा है तो उसे कंप्रेस कर देना ताकि वो उसी स्पेस के अंदर एडजस्ट हो जाए. ये सब प्रोग्राम आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग.